हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है जापान ने मांगी भारत से मदद, बोला प्लीज भारत हमें भी चांद पर ले जाओ। इसरो ने की अद्भुत खोज, मतलब चंद्रयान 3 ने चांद पर कोई अद्भुत खोज भी कर ली है और जापान ने बहुत बड़ी हेल्प मांग ली है, क्योंकि वो बहुत दो तीन बार उसने ट्राई किया लेकिन वो जा नहीं सका। हालांकि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बड़ा एडवांस देश माना जाता है, लेकिन स्पेस के मामले में भारत सबका बाप बन गया। तो बिना किसी देरी के देखते हैं इनसाइड नॉलेज का वीडियो, काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्पेस के क्षेत्र में भारत की एक के बाद एक विशाल कामयाबी को देखते हुए अब दुनिया भर के कई देश चंद्रमा पर जाने की तैयारी में जुटे हैं, जिसमें सबसे बड़ी कोशिश आज जापान करने वाला था, क्योंकि आज सुबह 9:30 पर जापान अपना एक लूनर मिशन लॉन्च करता, जिसके तहत वे अपने रोवर को चंद्रमा पर उतारना चाहते थे। इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो जापान चांद पर पहुंचने वाले देशों में शामिल हो जाता, साथ ही वह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश भी बनता। लेकिन बिल्कुल लॉन्च के समय से ठीक पहले ही जापान ने अपने इस मिशन की लॉन्च पर रोक लगा दी और इसके पीछे कोई बड़ा कारण भी नहीं बताया। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब जापान अपने लूनर मिशन को लॉन्च करने में नाकाम रहा हो। ऐसा तीसरी बार है जब उन्होंने खराब मौसम का हवाला देते हुए इस मिशन को लॉन्च करने से मना कर दिया। आज से पहले भी जापान की कई कोशिशें नाकाम हो चुकी है, जिसे देखकर अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये बात कहना शुरू कर चुके हैं कि चंद्रमा पर पहुंचना हर देश की बस की बात नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि जापान का ये मिशन इतना महत्वपूर्ण इसीलिए था क्योंकि इसके जरिए वे बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना रोवर लैंड करना चाहते थे, जिसकी दूरी सिर्फ 100 मीटर रेडियस की होती। इतने में अगर जापान अपना लैंडर सफलतापूर्वक लैंड कर लेता तो यह ऐतिहासिक कामयाबी होती, क्योंकि भारत को भी अपने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को लैंड करने के लिए काफी बड़ा एरिया सेलेक्ट करना पड़ा था, जिसमें हमने जरूरत के अनुसार कई बार बदलाव भी किए। यहाँ तक कि इसे ओरिजिनल प्लान के मुताबिक 100 किलोमीटर दूर तक बदला गया था, पर जापान अपने इस लूनर मिशन के जरिए ऐसी काबिलियत प्रदर्शित करना चाहता था जिससे वह बिल्कुल एक छोटे से इलाके में अपना अंतरिक्षयान लैंड कर सके, जो भविष्य में एक काफी बड़ी काबिलियत होती। पर ऐसा करने में जापान हर बार नाकाम नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जापान अब भारत की तरफ देखने पर मजबूर हो चुका है। बता दें कि दोनों देशों के बीच में अंतरिक्ष को लेकर साझेदारी बढ़ती जा रही है और जापान चंद्रमा पर पहुंचने के लिए भारत की सहायता और हमारे साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए हम हाल ही में सामने आए लूपनेक्स मिशन को देख सकते हैं, जिसके जरिए कुछ समय पहले जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर जनरल भारत आए थे और उन्होंने इसरो प्रमुख के साथ मिलकर बड़े समझौते भी किए। दोस्तों, लूपनेक्स मतलब जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के जरिए भारत और जापान चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी के होने की पुष्टि करना चाहते हैं। ये मिशन आने वाले कुछ सालों में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें भारत और जापान की पार्टनरशिप खुली आंखों से देखी जा सकेगी, जिसके तहत इसमें दोनों देश 50-50% के वर्क शेयर से काम करेंगे। बता दें कि लूपनेक्स में लगने वाला रॉकेट हाउसिंग और रोवर जापानीज होगा, जबकि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला लैंडर भारतीय होगा, जो दोनों देशों की बराबर भागीदारी को साफ तौर पर दर्शाता है। इसी बीच चंद्रयान 3 को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई, जिसके तहत हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अगर इसे एक उदाहरण से समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर रेगिस्तान और पहाड़ों की बात करें तो दोनों में तापमान का अंतर काफी ज्यादा होगा। मतलब एक रेगिस्तान में जमीन 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है, जबकि पहाड़ों में यही टेम्परेचर -50 डिग्री तक ठंडा हो सकता है। लेकिन तापमान में यह अंतर 700 या 800 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलता है, लेकिन हमारे विक्रम लैंडर में लगे एक खास उपकरण ने ऐसी खोज कर दी जिसे देखकर इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। यहाँ तक कि इसरो वैज्ञानिक खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें इस खोज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल विक्रम लैंडर पर लगे सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट प्रोब ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रमा की सतह पर तापमान में बहुत ही ज्यादा अंतर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तापमान में -50 से लेकर
-70 डिग्री तक का अंतर देखा जा रहा है, जो बेहद ही हैरानी की बात है, क्योंकि यह खोज एक ऐसी जगह पर की गई जहां पर हालात चंद्रमा के हमेशा अंधेरे में रहने वाले इलाकों के मुकाबले काफी अच्छे हैं। फिर भी इसमें सिर्फ 10 सेंटीमीटर जितनी छोटी दूरी में भी तापमान में -50 डिग्री तक का अंतर देखा जा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हैरान करने वाला है, जिसे देखकर अब ये बात कही जा सकती है कि भारत चंद्रमा पर कुछ बहुत ही क्रांतिकारी खोज करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और पता नहीं हमें अगले कुछ दिनों में किन नई बातों का पता चलेगा। वहीं इसी बीच हमारा प्रज्ञान रोवर भी 27 अगस्त को 4 मीटर के डायमीटर जितने बड़े क्रेटर की संपर्क में आते आते बचा, जो उससे मात्र 3 मीटर आगे था, जिसे देखकर प्रज्ञान रोवर ने अपना रास्ता बदल लिया। ऐसे में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे उपकरण चंद्रमा पर सुरक्षित रहे, जिसे सुनिश्चित करते हुए इसरो पूरी सतर्कता से अपने ऑपरेशन और रिसर्च एक्टिविटी को अंजाम दे रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या भारत को जापान की स्पेस एजेंसी को चंद्रयान मिशन में मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जाहिर बात है भारत मदद करेगा, उसका दोस्त कंट्री है तो जाहिर बात है भारत करेगा, लेकिन भारत मुश्किल है अपनी पेचीदा टेक्नोलॉजी उसको दे। हाँ, रोवर, क्योंकि रोवर ही मेन चीज होती है जो लैंड करता है, असल में सारी बात होती है टेक्नोलॉजी की, किस तरीके से गया, लैंडर 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 जो होता है सबसे पेचीदा टेक्नोलॉजी होती है सब कुछ। हाँ, वो प्रोपल्शन लैंडर में डूब सारा भारत बनाएगा, रॉकेट और रोवर वो खाली बनाएगा। लेकिन फिर भी देख लो, जापान आज उसने मिशन करना था उसने पोस्टपोन कर दिया, मतलब आज वो भेज रहा था फिर से, लेकिन उसको अब इंडिया की जरूरत पड़ गई है। इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि आप पूरी दुनिया यही समझती है कि और पूरी साउथ दुनिया कोई लैंड कर सकता है तो मान गई है कि साउथ पोल के ऊपर अगर कोई लैंड कर सकता है सक्सेसफुली तो वो भारत है। तो इसलिए वो अब वो एक दोस्त मुल्क भी है इंडिया का, तो उसके साथ मदद उसने हेल्प मांगी है। भाई यार, चांद पे टेम्परेचर कितना यार, जी पे टेम्परेचर 10 सेंटीमीटर क्या चीज है यार, 10 सेंटीमीटर कितना होगा यार, मतलब उसपे दिन का सा होगा। और भाई उसपे भाई जाके भाई इतना वो टेम्परेचर ऊपर 10 सेंटीमीटर खुदाई करो तो -10 -50 to 70 सोचो, और ज्यादा खुदाई करोगे तो 5-6 फुट नीचे करोगे खुदाई तो भाई खत्म। सही बात है, मतलब ये सीरियसली अलग लेवल चीज बनी हुई है। अब आते हैं इसकी तरफ, जापान को मतलब अपने रॉकेट पे भरोसा नहीं है भाई, उसका रॉकेट असल में वो नाकाम हो चुका है, वो डरा हुआ है, इसलिए भारत के अंदर जज्बा है, भारत अपने दम पे चीज करता है। असल में अभी वो उस टाइम तक ये काम नहीं करेगा जिस टाइम तक इंडिया की वो मदद ना ले ले। हाँ। इंडिया कुछ हो सकता है कोई चेंजेस करवाए उससे या कोई चीज ऐसी बताए कि इस हिसाब से जाओ, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो, इस वजह से उसने कैंसिल किया और वो इंडिया के पास और बोला है वो दुनिया को के मतलब, और अभी लूपेक्स मतलब कोई मिशन भेज रहे हैं इंडिया और जो भारत, बिल्कुल रॉकेट उसको चंद्रयान 4 उसको भारत बोल रहा है ना मेरे ख्याल में। अच्छा, चंद्रयान 4 वही होगा ना जो दोनों मिलके कर रहे हैं, मतलब वो लूपिक्स कुछ नाम देंगे और भारत की तरफ से चंद्रयान 4 ये नाम दिया जाएगा, या वो फिर शायद टोटली डिफरेंट हो, वो आप जानते हैं। गाइस, अपना राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या कहते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।